सूरह बकरे की जलाया
समाधि साधन चाहिए। निकाह के मसाइल का जानना भी जरूरी है।
निकाह पर जब कोई आकिल बालिग मुसलमान निकाह कर लेता है उसके बाद तलाक के मसाइल का जानना भी जरूरी है। मसाइल शरिया से ना वाकफियत की बुनियाद पर, अदम इल्म की बुनियाद पर जब निकाह के मसाइल, निकाह के फजाइल को नहीं जानता, उस वजह से इंसान इस सुन्नत से महरूम रहता है और गुनाह की दलदल के अंदर वक्त गुजार होता है। और ऐसे ही अगर कोई बंदा निकाह को कर लेता है मसाइल से वाकफियत ना होने की वजह से, खासतौर पर हमारे घराने में दीनी तालीम के ना होने की वजह से, दीनी माहौल के ना होने की वजह से हम अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत नहीं करते, तरबियत ना करने की वजह से उसका सबसे बड़ा नुकसान वो तलाक की सूरत में जाकर रहता है, फिर एक बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी की तरफ नुकसान चला जाता है। इसलिए हमारे ऊपर लाजिम है निकाह के मसाइल को भी जाने, निकाह की फजीलत को भी जाने, तलाक के नुकसान और तलाक के देगर मसाइल को भी हो जाए। और ये बात अपने मकाम पर मुसल्लम, एक बात याद रखना, आदम अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक से लेकर आज तक अहकाम के अंदर तब्दीलियाँ आती रही हैं। बहुत सारे मसाइल जो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में जो ये जैज थे वो अब जैज ना रहे, पहले अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के दौर में जो चीज़ें नाजायज थी वो अब जैज थी, वो दूसरे अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम से दूर की बात, खुद शरीयत मुताहरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले जायज थी बाद में नाजायज थी। मिसाल के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में देखे सगे बहन भाई का निकाह आपस में जायज होता, नस्ल इंसानियत की बका के लिए ज़रूरत के मुताबिक सगे बहन भाई का निकाह भी जायज होता। अब जब वो नस्ल इंसानियत की वाफिर मिकदार हो, सगे बहन भाई का निकाह ख़त्म हो गया, हकीकी बहन भाई नहीं, अगर सुतेला बहन भाई तो उनका निकाह भी जायज होता। जब एक चीज शरीयत के अंदर जायज होती है उसमें कोई कबाह वाली बात नहीं होती, वहाँ इंसान गलत तसव्वुर ना करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, एक अमल है बिल्कुल बेआईनी वही अमल निकाह की सूरत में हो तो जायज होता है, वही अमल मखसूस अगर निकाह के बगैर हो तो ना जायज और हराम होता है। अमल एक है, काम एक है, लेकिन फ़र्क इतना है कि एक अल्लाह के इज़्ज़त के साथ है और दूसरा बगैर इज़्ज़त के साथ है। एक निकाह की सूरत में और एक बगैर निकाह की सूरत में, और निकाह की सूरत में अमल मखसूस वो सवाब, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक सारी रात की नफिल इबादत से भी अफ़ज़ल दुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे अहकाम शरीयत मुहम्मदिया के अंदर जायज़ थे, मिसाल के तौर पर पहले शराब पीना भी जायज़ रहा, कुछ अर्सा तक जायज़ था, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। ये पूरी तफसील बस में नहीं जाना चाहता। गधे का गोश्त भी जायज़ रहा, बाद के अंदर ये चीज़ें भी हराम हो गई। तो इस तरह कई अहकाम ऐसे हैं जो शरीयत मुताहरा में जायज़ थे बाद में हराम हो गए। लेकिन एक बात हमारे इल्म में इजाफे के लिए याद रख लें, आदम अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक से लेकर आज तक नमाज़ें दूसरे भी पढ़ते रहे, तौर तरीका मुख्तलिफ था,
नमाजों की तादाद मुख्तलिफ थी, रोज़े पहले भी रखते, लेकिन जो शरीयत मुतहरा के अंदर है, उम्मत मुहम्मदिया के अंदर है, पहले कोई दो दिन रखता, कोई तीन दिन रखता, कोई एक दिन रखता, शरीयत मुतहरा के हुक्म के अंदर तब्दीली है। लेकिन जो बताना चाहता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक से लेकर आज तक दो चीज़ें हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं हुई, उसके अंदर किसी दौर के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? ईमान बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर ईमान, क्योंकि जो भी पैगंबर आता रहा उसने अपनी उम्मत को यही तालीम दी, अल्लाह पाक का शरीक है। किसी पैगंबर ने इसके अलावा तो अपनी नबूवत और रिसालत के बारे में भी कहते रहे, लेकिन अल्लाह पाक का शरीक पर ईमान लाना ये उनके ऊपर लाजिम रहा। और दूसरा, निकाह करना आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक, बल्कि क्या मदद जारी है, ये दो अमल है। बाकी हर हर अमल के अंदर तब्दीलियां आती रही हैं, ये दो अमल ऐसे मखसूस अमल है, निकाह और अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना आदम अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक से शुरू हुए, आज भी हैं और क़यामत तक बाकी रहेंगे। नस्ल इंसानियत की बका के लिए निकाह करना बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर वाजिब हो जाता है, बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर फर्ज है, और ये दो चीज़ें ना हो तो कम अज़ कम सुन्नत रसूल का सवाब हो गया। और उशा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बढ़कर और कोई अमल नहीं। और ये भी याद रखें, बाल लोगों का एक अपना माइंड होता है, अपने अकल से काम लेते हैं, सुन्नत मुतहरा से हटकर, शरीयत से हटकर अगर कोई तकवा अख्तियार करना चाहे तो उसको नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर हुजूर नबी अकरम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में भी बाद सहाबा ने इजाज़त तलब की, या रसूलल्लाह अगर हमें इजाज़त हो हम जंगल में चले जाते हैं। जंगल में क्या करेंगे? सिर्फ अल्लाह की इबादत और इबादत करेंगे, और हम शादी नहीं करना चाहते, हम निकाह नहीं करना चाहते, और निकाह के बाद बच्चे हैं, फैमिली है, ख़ानदान के साथ उठना बैठना और इनके ताम और तशनी वाली बातों को सुनना, ये हमें बोझल कर देती है। हमें इजाज़त हो, हम तकवा अख्तियार करना चाहते हैं, हम मुत्तकी बनना चाहते हैं, परहेज़गार बनना चाहते हैं, हम तन्हाई के आलम में जाकर तेरी इबादत, अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। बाद सहाबा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आकर की, हुज़ूर अगर हमें इजाज़त हो तो हम खसी होना चाहते हैं, यानी निकाह की नौबत तक भी ना, और हम इस अमल के करीब तक ना जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को मना फरमा दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकवा इस चीज़ का नाम नहीं है कि तुम तन्हाई में चले जाओ, जाकर इबादत रियाजत करो। मेरे अमल सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवा रखा है। अन निकाह निस्फ ईमान, निकाह निस्फ ईमान है। जब इंसान निकाह कर लेता है, निकाह की वजह से अपने आधे ईमान को महफूज कर लेता है, और फरमाए फिर आधे ईमान के मुतल्लिक उसकी बका और उसकी बचाने के लिए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इंसान दुआ करता रहे और अमल खैर करता रहे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबे कराम को मना फरमा दिया कि तुम ये ना सोचो, बल्कि अपनी कौम के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर रहने के साथ तुम्हारे ऊपर बातें भी होंगी, कील वकाल भी होगा, तान तशरीह भी होगा, लाजमी बात है दिल बड़ा दुखेगा, बड़ी तकलीफ पहुँचेगी, कई ख़ानदान के लोग ऐसे होंगे तुमने उनके साथ बड़ी नेकी की होगी, और अपना जान कर एहसान किया होगा, अपना बच्चा समझ कर उसको बड़ा किया होगा, और जो बड़ा होते ही उसने सबसे पहले आपकी मुखालफत की होगी, आपके साथ ज़्यादती की होगी, यकीनन आपका दिल दुखेगा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा उसके लिए दिल दुखता है,
कि मैंने इसको अपना बेटा जानकर, बेटी जानकर, छोटा जानकर मैंने इसकी तरबियत की, काम सिखाया, काम पे लगाया, बरस रोजगार बना दिया और आज इस मकाम पे पहुंचा है। आज ये मेरे सामने भी होता है, उल्टा मेरी मुखालफत भी करता है, मेरी गीबत भी करता है और पूरी कुदरत के साथ मेरी मुखालफत कर रहा है। सरकार ने फरमाया तुम्हारा दिल बड़ा दुखेगा, तुम्हें तकलीफ बड़ी होगी, लेकिन उस तकलीफ और सदमा को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह की इबादत रियाजत करना, ये हकीकत के अंदर तकवा हो गया है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत है। दिल छोटा कर देता है इंसान, यार मैंने इसको, आज हर बंदा इंसानियत का जज्बा हर बंदे के साथ है, हर बंदा किसी के साथ नेकी करना चाहता है, लेकिन उसके साथ जब वो नेकी कर लेता है उससे उम्मीद होती है कि शायद मुझे इसका नेमल बदल ना दे, मुझे इसके बदले में कोई पैसे ना दे, कम अज कम मुझे मोहसिन तो मानता रहे। हुजूर नबी अकरम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मल्लम यशकुरिल्लाह सला यशकुरिल्लाह, जो अल्लाह की मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं करता, जो आप मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमेशा हमेशा अपनी निगाहों को उनके सामने अदब के तौर पर झुकाए रखना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, फिर फरमाया निकाह की रगबत दिलाई, गुनाहों की दलदल से बचो और अपने ईमान को बचाने के लिए निकाह करो, निकाह की रगबत दी और अहदीस मुबारक का ज़खीरा वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है। इरशाद फरमाया कि निकाह के मामलात के अंदर एक काम ये करो, जब तुम निकाह करने चाहो बच्ची के अंदर कम से कम चार चीज़ें देखना चाहिए। तुम सूरत को देखते हो, सीरत को नहीं देखते, दीन को नहीं देखते, उसके हसब नसब को नहीं देखते। फकत आज के मियार के अंदर हर बंदे के जहन के अंदर कुरान और हदीस की वाकफियत ना होने की वजह से हमारा जो मियार है वो कुरान और हदीस के खिलाफ हो गया है। हमारा मियार क्या है? आज हम निकाह के मामले के अंदर हमारे बच्चे का हो, बच्ची का हो, बेटे का हो या बेटी का हो, हमारी निकाह के अंदर एक ऐसा रिश्ता दरकार होता है जो मालदार हो, पैसे वाला हो, शान और शौकत वाला हो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तुम रिश्तों की तलाश किया करो उस वक़्त उसकी शान और शौकत को ना देखो, उसके माल दौलत को ना देखो, बल्कि उसकी सीरत को देखो, उसके किरदार को देखो, उसके दीन को देखो। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, सरकार ने फरमाया अगर किसी बच्चे की तरफ से, तुम्हारे खानदान का बच्चा है, उसकी तरफ से तुम्हें निकाह का पैगाम आ जाए, अगर तुम देखो वो दीनदार है, दीन को समझता है, उसके माल की तरफ तवज्जो ना करो, उसके दीनदार होने की बुनियाद पर बच्ची का निकाह कर दो और निकाह को आसान करो। निकाह को आसान करने का मामला ये है, उसके ऊपर बोझ ना डालो कि वो ना लड़का बर्दाश्त कर सके ना लड़की बर्दाश्त कर सके, जिसकी वजह से वो मामला इतना तूल पकड़ जाता है कि कई कई साल तक वो बच्चियां घर में बैठी रहती हैं और निकाह ना होने की वजह से लड़के भी गुनाहों के अंदर मसरूफ हो जाते हैं और बच्चियां भी गुनाहों के अंदर मसरूफ हो जाती हैं। और उसके अंदर वालदैन का भी एक किरदार होता है, क्योंकि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पसे पोश डाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्ची बालिग हो जाए फिल फौर हत्ता इम्कान जितना हो सके जल्द से जल्द उसको घर से रुखसत कर दो। ये ना देखो कि माल कितना है, दौलत कितनी है, फकत दीन की वजह से उसको रुखसत कर दो। और फरमाया बच्ची के रिश्ते के मामले के अंदर ख़ास तौर पर उसकी सूरत की तरफ ना जाओ बल्कि उसकी सीरत की तरफ जाओ, इसलिए कि सूरत से फकत इंसान की निगाह को तस्कीन पहुँचती है और सीरत की वजह से इंसान की रूह को भी तस्कीन पहुँचती है, दिल को भी तस्कीन पहुँचती है और इबादत भी उसके अंदर आसान हो जाती है। और फिर जो सूरत है वो एक ऐसी नेमत है जिसके अंदर जिवाल है, बंदा बीमार हो जाए सूरत के अंदर तब्दीली आ जाती है, कमज़ोर हो जाए, बूढ़ा हो जाए सूरत में तब्दीली आ जाती है, जहरी हुस्न जवाब ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो सीरत होती है उसके अंदर जिवाल नहीं है, वो ला जवाल दौलत है, वो बाकी रहने वाली दौलत है कि वो इंसान जब तक बाकी रहता है, जब तक वो हयात है उसकी ये सीरत और उसकी ये खूबी उसके साथ बाकी रहती है। इसलिए निकाह के मामलात के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह को आसान करो। और फिर ख़ास तौर पर जो अहम बात और अहम नुक्ता यह है
वो ये कि अपने बच्चों की तरबियत, निकाह के मामला के अंदर मैं तलाक के मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक मुकदमा तमहिया के तौर पर चंद बातें समझाना चाह रहा हूँ। आज हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ ये है, सबसे बड़ा बिगाड़ वो कुरान और हदीस का इल्म ना होना। हम बच्चियों को जब रुख्सत करते हैं, अपनी बेटी को हर बंदा रुख्सत करता है, हर बंदा बेटी वाला जब रुख्सत करने का इरादा करता है, हमारी तरबियत के अंदर कुरान और हदीस के खिलाफ जो मुआशरे के अंदर बातें चल रही होती हैं वो मैं बताना चाहूँगा। अब ये देखें, हम बच्ची को पहले जहन बनाते हैं, कभी भी अपनी सास के सामने नहीं झुकना, कभी भी अपनी नंद के सामने नहीं झुकना, शोहर की बात तक महदूद रहना, और चंद दिनों के अंदर अंदर अगर उसने गलबा हासिल कर लिया तो फिर पूरी ज़िंदगी तू मगलूब रहेगी। तूने गलबा हासिल करना है, इब्तदा में जाकर अपना धावा हो, अपना गलबा हो, और अपनी धाप उसके ऊपर बिठानी है। यानी इस तरह के हम गलत तसव्वुर देते हैं, यहाँ तक कि हमारी बच्ची जाती है वो गाफिल है, हमारी गलत तरबियत की वजह से वो बच्ची जाकर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है, और नतीजा जो होता है बहुत जल्द तबाही और बर्बादी की सूरत में नज़र आ जाता है। आज आप मुआशरे के अंदर देखें, हर बंदा देखता है, ख़ासतौर पर हमारी फील्ड है फतवा का देना, और इस फतवे के बाब के अंदर जितने मसाइल तलाक के आते हैं इतने मसाइल किसी और चीज़ के नहीं आते। अब तरबियत करनी है तो ऐसी कुर्बान जाइए, नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपनी शहजादी को रुख्सत किया, ये बात हमारे काबिल तवज्जो है, नबी अलैहिस्सलाम अगर चाहते जहेज के अंदर दुनिया व माफिया की सारी नेमतें दे देते, नबी अलैहिस्सलाम चाहते ओद पहाड़ के बराबर सोना फातिमा ज़हरा को दे देते, नबी अलैहिस्सलाम चाहते दुनिया की कोई ऐसी नेमत ना होती जो जहेज बना देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ये अमल करते हुए अपनी उम्मत की आसानी के लिए कि अगर आज मैं देना चाहूँ, मैं इस पर कादिर भी हूँ, मुख्तार भी हूँ, मैं बहुत सारी नेमतें दे सकता हूँ, लेकिन ये बात मेरी उम्मत के लिए शाब गुजरेगी, मेरी उम्मत इसको सुना जानकर मुशक्कत के अंदर पड़ जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी सादगी और आजिज़ी के साथ और इंतज़ारी के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने थोड़े काम के ऊपर जहेज के अंदर क्या कुछ दिया सब बात जानते हैं। कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद है, फातिमा ज़हरा के जाए नमाज का नुस्खा, जाए नमाज और एक लोटा, छोटे से मखसूस बर्तन, ये जहेज है सारी कायनात के मालिक मुख्तार के साहिबजादी का। और तरबियत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या तरबियत फरमाई, ऐ मेरी बेटी हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करना, और अपने शोहर अपने सरताज को कभी भी परेशान ना करना। ये तरबियत थी नबी अलैहिस्सलाम की, ये तरबियत का हिस्सा था, मेरी बेटी बग़ैर इजाज़त अलीगुल मुर्तदा के कभी भी बाहर ना जाना, और अलीगुल मुर्तदा की वालदा की भी खिदमत करना, ये नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत है। और नतीजा क्या निकला, कुर्बान जाइए, एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचते हैं, बीबी सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के घर पर, आका अलैहिस्सलाम ने फातिमा ज़हरा को देखा, आपका चेहरा मुबारक ज़ोब की वजह से, कमज़ोरी की वजह से नहीफुल बदन है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ बेटी क्या हुआ, कमज़ोरी के आसार हैं? अर्ज़ की, अब्बा जान कई दिनों से फाके से हैं, कोई दिनों से हमने खाया नहीं है, सारी कायनात के मालिक मुख्तार की बेटी है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, बेटा फिर मुझे बता दिया होता जब घर में कुछ नहीं था, मुझे बता दिया होता तो जवाबन क्या अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान जब आपने मुझे रुख्सत किया था आपने ये तरबियत में नहीं फरमाया था, खबरदार अलीगुल मुर्तदा को तकलीफ ना पहुंचाना। तो जिस तरह भी है, फाका हो या कोई भी हाल हो, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और अलीगुल मुर्तदा की शिकायत तक मैं कहीं नहीं ले जाती, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरे सरताज हैं, वो हर हर अमल के अंदर इखलास के साथ मेरे साथ काम करते हैं। और यही फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम ने बुलवाया, किसी को भेजा कि फातिमा ज़हरा को बुला के ले आओ। जब बुलवाने के लिए गए तो वही फातिमा ज़हरा
जवाबन जिसने बुलाया, जो बुलाने के लिए किया, कहने लगे जाओ मेरे अब्बा जान से कह दो आज मेरे साथ दो रिश्ते हैं, दो ताल्लुक हैं, दो तरह से ताल्लुक है आपका मेरे साथ। एक तो ये कि आप मेरे नबी हैं, मैं आपकी उम्मती हूँ, और एक रिश्ता ये कि आप मेरे बाप हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। ये दो रिश्ते हैं। मुझे ये बताएं आपने किस रिश्ते की बुनियाद पर मुझे घर से बुलाया है। ये बात समझने वाली है, काबिल तवज्जो है, किस बुनियाद पर? अगर तो आपने नबी होने की हैसियत से बुलाया है, मुझे अलीउल मुर्तजा से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, मैं फ़ौरन हाज़िर हो जाती हूँ, इसलिए कि आपके नाम पर, आपकी ज़ात पर माँ बाप बहन भाई सब कुछ कुर्बान है। और अगर आपने बाप होने की हैसियत से बुलाया है तो मेरे अब्बा जान से कह दो फिर ठहर जाओ, घर में अलीउल मुर्तजा मौजूद नहीं है, और जब तक अलीउल मुर्तजा नहीं आते उस वक़्त तक मैं उनकी इजाज़त के बगैर मैं आपकी बारगाह में नहीं आ सकती हूँ। ये तरबियत थी ताजदार कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसका माना यह है, हम अपनी बच्चियों को जब भी रुख्सत करें एक अच्छी तरबियत देकर रुख्सत करें, अच्छा जहन देकर रुख्सत करें कि बेटा हमने अपनी तरफ से हत्तल इम्कान कोशिश की है रिश्ता अच्छा तलाश करने की, इस्तखारा भी कराया, रिश्ता भी देखा, इधर उधर से अपनी कुदरत के मतहत हत्तल इम्कान हमने कोशिश भी की है, लेकिन बेटा आगे तुम्हारा मुकद्दर है, आगे तुम्हारा नसीब है कि जो भी हो 19-20 की तकलीफ आपने ये बर्दाश्त करनी है। अगर बाप और माँ घर वाले इस तरह की तरबियत करके बच्ची को रुख्सत करते हैं तो बच्ची भी जानती है मेरा बाप कितना गरीब है, गुर्बत के मारे 4-5 साल तक उसने मेहनत पूंजी को जमा करके मुझे रुख्सत किया है, और अगर मैं थोड़ी सी मामूली बात पर, छोटी छोटी बातों पर अपना घर दबाव बर्बाद कर दूं या तलाक का तकाजा कर जाऊं तो मेरे अब्बा कहां खड़े होंगे, मैं कहां खड़ी होंगी। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर हम अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत करके घर से रवाना करेंगे और निकाह के मसाइल को जानेंगे और उनकी फजीलत को जानेंगे तो ला महाला हमारी बच्ची जब घर पहुंचेगी और अपने घर पहुंच जाएगी अपने सरताज के बाद तो फिर 19-20 की बातों को भी बर्दाश्त करेगी और फिर तकलीफ को भी बर्दाश्त करते हुए सहते हुए कुछ दिनों के बाद अपना मकाम और अपना इज्जत अपने घर के अंदर वो बना लेती है। और हमारे माशरे के अंदर जो गलत तरबियत है वो क्या है, दूसरी तरबियत जिसका नतीजा बुरा निकलता है, अक्सर बेशतर लोग कहकर बैठते हैं आपको सिवाय अपने सरताज के किसी खिदमत नहीं करनी, किसी की गुलामी अपने गले में नहीं डालना। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा फरमाते हैं कि मेरी वालिदा, हज़रत अली फरमाते हैं मेरी वालदा मुझे अलैदा में कहती कि आप फातिमतुज़्ज़हरा को रोको, मेरी खिदमत को जो थोड़ा किया करें। फातिमतुज़्ज़हरा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान की वजह से, जो सास है वो भी तो माँ है, जो सुसर है वो भी तो बाप की हैसियत रखता है, तो फरमाया अली अल-मुर्तज़ा को उसकी माँ ने फरमाया कि आप फातिमतुज़्ज़हरा से कहो, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, हसनैन करीमैन हैं, शहजादे हैं, उनकी भी खिदमत करती है और उसके बावजूद मेरी इतनी खिदमत करती है, इतनी खिदमत करती है, सारा वक्त यहाँ गुजार देती है कि हज़रत फातिमतुज़्ज़हरा से खुद ये कहो कि मेरी खिदमत कम कर दे, थोड़ा कम कर दे। ये है वो शहजादी ताजर कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी सय्यदा तय्यबा ताहिरा बीबी फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनकी तरबियत की उसका नतीजा ये निकला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत के अंदर भी उनका मुकद्दर अच्छा बना दिया। हम भी अपनी बच्चियों को जब रवाना करें, रुख्सत करें, तो रुख्सत करने से पहले अपनी बच्चियों को अपने सीनों के साथ लगाएं, रुख्सत करें और अच्छी तरबियत करके, बेटा हमारी कोशिश जो थी हमने अपनी तरफ से अपनी मुमकिन तौर पर पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कमी कोताही हो तो आपने भी बर्दाश्त से काम लेना है, सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। आपने आइडियल के अंदर फातिमतुज़्ज़हरा के किरदार को सामने रखना है, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा की सीरत को सामने रखना है, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को सामने रखना है। इस वजह से जब हमारी बच्चियों की तरबियत अच्छी होगी तो लामहाल हमारे घर के अंदर निभा बहुत अच्छा होगा। ये बात मैंने इसलिए की है हालात हाजरा के तकाजे के मुताबिक मैं तलाक के मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तलाक के मसाइल को आज हमारे माशरे के अंदर ये बात काबिल अफसोस है, काबिल अफसोस है, बड़े गम की बात है, बड़े दुख की बात है। अक्सर आप देख लें, अक्सर बेशतर
शादी में कहीं एक दिन होता है, कहीं दो दिन, कोई चार महीने, पांच महीने, साल से पहले पहले वो घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अक्सर बेहतर आज ऐसा हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मुआशरे के अंदर बिगाड़ है। एक गरीब आदमी है, आज इस गुर्बत के दौर के अंदर, आज इस महंगाई के दौर के अंदर अपनी बेटी को रुख्सत करने के लिए अब वो न जाने कहाँ कहाँ से कर्ज उठाता है, अपने हाथ को फैलाता है, कर्ज उठाकर अपनी बेटी को रुख्सत करता है। और वो लड़का, उसने एक लम्हे का भी तामुल नहीं किया, कोई छोटी सी मामूली सी बात हो गई और आनन फानन उसने तीन तरह के लफ्ज के साथ उसको धमकी देकर, डरा धमका कर, और अपने आप को बहादुर समझकर, हिम्मत वाला समझकर वो अपने घर को तबाह बर्बाद कर देता है। और एक बात ये भी याद रख लेना, तलाक जब भी होगी, चाहे लड़का नेक मुत्तकी परहेजगार भी क्यों ना हो, वो लड़का जितना नेक भी क्यों ना हो, उसके बावजूद जब तलाक हो जाए, मायूब दोनों जाने जाते हैं, मियाँ भी बीवी भी मायूब, ऐब दोनों पे लगता है। ये नहीं है कि अब उसकी इज्जत होगी, आप चाहे लाख कसमें उठाते फिरें, लाख दलायल देते फिरें, उसके बावजूद इज्जत दोनों की इज्जत के ऊपर हर्फ आता है। और ख़ास तौर पर जो बच्ची होती है, उस बच्ची की इज्जत पर जो हर्फ आया सो आया, और उसके वालदैन की जो कमर झुक जाती है। मैंने पिछले जुमे को बयान किया कि हम लड़कों को बड़ा कर देते हैं, जब लड़के बड़े हो जाते हैं फिर वालदैन की जब नाफरमानी करते हैं तो वालदैन की कमर टूट जाती है। अच्छे खासे सेहतमंद इंसान कुछ दिनों के बाद देखते हैं उनकी सेहत बिल्कुल गिर जाती है, तकलीफ के अंदर मुब्तला होते हैं। अचानक क्या हुआ, उन्होंने कहा हमारे वालदैन कहते हैं हमारी औलाद की वजह से ये तकलीफ हमें पहुंची। तो एक बात मैं ये बताना चाह रहा था, जिस तरह नमाज के मसाइल का जानना हमारे ऊपर ज़रूरी है, रोज़े के मसाइल का जानना हमारे ऊपर ज़रूरी है, ज़कात के मसाइल का जानना ज़रूरी है, हर आकिल बालिग मुसलमान पर निकाह के मसाइल का जानना भी ज़रूरी है, और निकाह के मसाइल के साथ साथ तलाक के मसाइल का जानना भी ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इल्म ना होने की बुनियाद पर तलाक तो दे देते हैं, तलाक तो बड़े फखरे अंदाज कर देते हैं, और ये ऐसी शर्मिंदगी होती है, ऐसी शर्मिंदगी पूरी ज़िंदगी इसका तदारुक करते रहें, पूरी ज़िंदगी में इसका तदारुक नहीं हो सकता, बाद में उसकी आँख खुल जाती है, मैंने बहुत गलत किया, अब इसकी कोई तलाफी, इसका कोई तदारुक, इसका कोई कफारा। जब तीन तरह के दे देते उसका कोई कफारा नहीं होता। देखें एक बात याद रखें, हलाल कामों में से जो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा काम है वो तलाक का काम है। काम तो हलाल है, ज़रूरत के मुताबिक दी भी जा सकती है, और इसका जवाब भी है शरीयत मुतहरा के अंदर। हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़रूरत के मुताबिक तलाक दी, लेकिन तलाक दी तो एक तलाक दी, फिर ज़रूरत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने रुजू भी फरमाया। ज़रूरत के मुताबिक जब आपस के अंदर ज़हनी हम आगे हो गई, जो मामलात थे वो तय पा गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने रुजू भी फरमाया। और हम लोग बाकी तमाम मसाइल जानेंगे, ख़ास तौर पर नौजवान तबका, तलाक के मसाइल हम नहीं जानते, तलाक के मसाइल हम नहीं सीखते, और इसकी वजह ये होती है थोड़ी सी अदम तवज्जो और मसाइल ना सीखने की बुनियाद पर हम ऐसा नुकसान कर बैठते हैं, ऐसा नुकसान कर बैठते हैं कि हमारे थोड़े से गुस्से की वजह से, थोड़े से तकब्बुर की वजह से, थोड़े से इनाद की वजह से हमारे दो खानदान आपस के अंदर टूट जाते हैं। मिसाल के तौर आप यूँ समझ लें, एक बेटे का लड़का है, जो बेटा है वो भाई का है, और बेटी जो है लड़की वो बहन की है। अब उनके पांच सात बहन भाई हैं, तो लाजमी बात है अगर उनका निभा नहीं हो सकता तो आपस के अंदर उन तलाक की वजह से उन भाई बहन के अंदर आपस में झगड़ा हो गया। अब जो बकिया बहन भाई बच गया है, जो जिसके घर में पानी भी पीने जाएगा तो वो कहेगा ये हमारा मुखालिफ है, ये हमारा दुश्मन है। तो इसका मतलब है कि पूरे ख़ानदान के अंदर झगड़ा और फसाद पैदा हो जाता है। हत्ता के तीसरा भाई अगर उनके अंदर इसलाह करने की कोशिश करता है कि इनकी इसलाह हो जाए, आपस के अंदर कोई बात बन जाए, तो बात करने के जरिए से भी, इस नीयत से भी अगर किसी के घर में जाएगा, दूसरा भाई का ये मेरा दुश्मन है, ये मुखालिफ है, जो मेरे दुश्मन के घर में जाता है वो मेरा दुश्मन है। जिसका मतलब है कि एक अमल ने पूरे खानदान के अंदर तबाही और बर्बादी कर दी है। तो इस वजह से इन मसाइल का जान लें, अल अमान वल हफीज। मैंने पहले बता दिया
शरीयत मुताहरा में जायज कामों में से जो अल्लाह को भी नापसंद है, जो अल्लाह को भी नापसंद है वो तलाक का देना है। लेकिन अगर तलाक की नौबत आ भी जाए, तलाक की नौबत आ भी जाए तो तलाक ऐसे दो जैसे शरीयत मुताहरा में देने का हुक्म है। अगर शरीयत मुताहरा के मुताबिक तुम तलाक दोगे तो तब भी तुम्हें फ़ायदा होगा, तब भी तुम्हें बाद में फ़ायदा होगा, बाद में नुकसान नहीं होगा। देखें तलाक की इब्तदान तीन सूरतें हैं। एक होती है तलाक तलाक रजई, ये मसाइल का जाना ज़रूरी है। और एक होती है तलाक तलाक बाइना, और एक है तलाक मुगल्लजा। ये तीन तलाकें हैं इब्तदा में। तलाक रजई का माना ये होता है एक तलाक दे देना, और वो भी तोहर के अंदर अय्याम मखसूसा में। अगर औरत अय्याम मखसूसा में हो तब भी तलाक नहीं देनी चाहिए, तब भी तलाक नहीं देनी चाहिए। जब वो पाक हो जाए, तोहर के अंदर हो, अगर ज़रूरत पेश आ गई है, निभाड़ नहीं हो सकता, कोई सूरत पेश नहीं आ रही, तो फिर एक तलाक एक तोहर के अंदर दे दे। अब उसके बाद औरत इद्दत गुजारेगी। अच्छा, एक तलाक देने के बाद अगर फिर नहीं देता, बिल्कुल ना दे, छोड़ दे, तब भी इद्दत गुजरने के बाद वो तलाक के बैना बन जाती है, तलाक के बैना खुद ब खुद हो जाती है। अब आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने आपका जो मकसद था, आपकी जो घर थी, वो अपनी बीवी को जुदा करना था, वो कर दिया, बात ख़त्म हो गई। वो एक तलाक से भी काम हो सकता है, दो तलाकों से भी काम हो सकता है। जब तुम्हारा मकसद, तुम्हारी गर्ज वो बीवी को जुदा करना, वो एक तलाक से हो सकता है। तो शरीयत मुताहरा ने भी यही कहा है कि एक तलाक दो एक तोहर के अंदर, फिर हैज गुजर जाए फिर एक तोहर के अंदर, फिर अय्याम मखसूसा गुजर जाए फिर एक हैज के अंदर, यूं दे दो। या ये कि एक तलाक देकर छोड़ दो, रुजू ना करो अगर तुम नहीं करना चाहते। शरीयत मुताहरा में ऐन मुमकिन है। वक्ती तौर पर गुस्से के अंदर लोग जज्बात में तलाक देने के फौरन दूसरे दिन आ जाते हैं, एक हफ्ते बाद आ जाते हैं। अभी कल का मामला, कल मेरे पास एक फतवा आया, कल ईद की देर के अंदर, कि औरत को, बच्ची को शादी हो सिर्फ चार बाँव में, चार महीने, छोटी सी मामूली बात जिसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं बनता, मामूली सी बात, यानी ना उसका कोई लेन देन से कोई ताल्लुक है, ना इज्जत के मामले में कोई बात है, छोटी सी बात करने के पानी पिला दे, मैंने नहीं पिलाया, तो इस बात पर भी तलाक हो गई। अल्लाह बिल्लाह में जाले, कितने घराने हमारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ चार महीने के अंदर। और मेरा दोस्त है, वो मेरे पास फतवा लेके आया, चार महीने के अंदर उसको तलाक हो गई। इतना रोए, इतना पीटे, अब क्या करें। अब तलाक भी कैसे, तीन तलाकें लेकर फिर मेरे पास है, कोई रास्ता निकालें आप। अब तीन तलाकों के बाद तो दुनिया में कोई भी रास्ता नहीं निकाल सकता, अब मामला ही ख़त्म हो गया। अब फिर लोग क्या करते हैं, अब कोई सूरत मिल जाए, कोई भी गैर शरी तौर पर फतवा दे दे भी तीन तलाकें कैसे दिए हैं, मैंने इकट्ठी एक जुमले में दिए, तो फिर नहीं होती, माजरस मबादला। फिर ये लोग हमारे मसला को छोड़कर दूसरे मसला के पास चले जाते हैं, और फिर अपने जहन को राज़ी करने के लिए, अपने माइंड को बनाने के लिए, ये जहन में क्या कहते हैं, देखें जरा बात यह है, आखिर वो भी तो कुरान हदीस पढ़ते हैं ना, हम भी तो कुरान हदीस पढ़ते हैं, आज तक नज़र नहीं आया कि वो कुरान हदीस पढ़ते हैं, आज तक नज़र नहीं आया, ना हम उसके पीछे नमाज पढ़ने को जायज़ समझते हैं, ना हम उनके पीछे नमाज जनाजा पढ़ते हैं, ना हम उनके नमाज जनाजा पढ़ते हैं। लेकिन जब तलाक का मामला आ गया अपनी सहूलत के पेश नज़र, तो हमने ना आपको छोड़ दिया। एक बात याद रख लेना, शरीयत मुताहरा के अंदर जब भी कोई तीन तलाकें दे दे, वो चाहे एक जुमले के अंदर दे या अलहदा अलहदा दे। मिसाल के तौर मैं ये कह दूँ, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को कहते हैं मेरी तरफ से तुझे तीन तलाक, ये एक जुमला है, या कोई शख्स अपनी बीवी से ये कहता है मेरी तरफ से तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, अगर इस तरह का लफ्ज़ वो बोल देता है, ये भी तीन तलाकें हैं, ये तलाक मुगल्लजा कहलाती है। इसके बाद कोई हक हासिल नहीं होता मियां बीवी को आपस में साथ रहने का, ना इसका कोई कफारा है और ना इसका कोई और हल है सिवाय तहलील शरई के, वो एक हलाले की सूरत होती है और उसके अलावा इसका कोई हल नहीं होता। तो लिहाजा अगर तलाक की ज़रूरत पेश आ जाए, निभाड़ नहीं हो रहा, तो शरीयत मुताहरा में यह है एक तलाक देकर छोड़ दे, एक तलाक देकर छोड़ दे। आपका बच्चा है, बच्चे नौजवान है, नहीं संभल पा रहे, नहीं रुकने पा रहे, आप कह रहे बजिद हैं, तो कम से कम आप उनको समझा दें कि एक तलाक देकर छोड़ दे। ऐन मुमकिन है
एक महीने के बाद उसका भी दिमाग ठिकाने लग जाए और उसको भी सोच फिक्र आ जाए, तो फिर निभा की जब सूरत पे बनती है तो फिर आए तो कुरान और हदीस की रोशनी में फिर उनको रुजू का हक हासिल होता है। एक तलाक देने के बाद भी, दो तलाक देने के बाद भी कुरान पाक की जिन आयात मैंने आपके सामने पढ़ा, रब्बिल जलाल फरमाते हैं अत्तलाक मरतान, तलाक दो मरतबा तक हैं। दो मरतबा का मतलब ये तलाक रजी कहलाती है, एक दे दी या दो दे दी ये तलाक रजी है, तीसरी अभी ना दो, तीसरी को छोड़ दो भूल जाओ, ऐन मुमकिन है तुम्हें रुजू की सूरत पेश आ जाए। अगर कोई रुजू की सूरत पेश आ जाए इद्दत के अंदर अंदर, इद्दत के अंदर अंदर अगर वो रुजू कर ले, यानी यूँ कह दे मैं अपनी बीवी से रुजू करता हूँ, या बीवी को जाके छू ले, बीवी को हाथ लगा ले, ये रुजू की सारी सूरतें होती हैं, तो बीवी उसके लिए हलाल हो जाएगी। बीवी उसके लिए बगैर किसी तकलीफ के बीवी हलाल है। लेकिन एक मसला और भी याद रखना, अगर उसने पहले एक तलाक दे रखी है अब जिंदगी में सिर्फ दो तलाकों का मालिक रहेगा, और अगर उसने पहले दो तलाकें दे दी हैं तो जिंदगी में फकत एक तलाक का मालिक रहेगा। अगर दो दे चुका है, रुजू कर चुका है, पूरी जिंदगी ऐसे गुजार ले कोई कबाहत नहीं है, वो उसकी बीवी है, उसका शोहर है, ऐसे ही है जैसे उसका निकाह पहले तलाक से पहले था अब भी ऐसे ही है। लेकिन खुदा ना खासा अगर तीसरी तलाक उसने फिर दे दी, कहीं भी जाकर दे दी, तो ये जमा हो जाती है, फिर ये तीन तलाकें बन जाती है। तो इस वजह से तलाक के मामलात के अंदर हम सब पर लाजिम है इस बात पर एहतियात करें। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने बड़े फकीह थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ शामिल थी। उनके पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दी हैं, आप कोई रास्ता निकालें, आप रास्ता निकालें। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने तो फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह ताला उसके लिए कोई राह पैदा कर देता है। इस आयत का माना तफसीर के अंदर उलमा ने लिखा है, अगर बंदा जज्बात में आकर एक तलाक देकर छोड़ दे, कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला खुद उन दोनों के दरमियान मोहब्बत को पैदा फरमा देता है, खुद अल्लाह ताला उन दोनों के दरमियान मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। और फरमाया कि जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता, सुन्नत मुतहरा के लिहाज नहीं करता, यानी दो तलाक पर और एक पर इक्तफा नहीं करता, तीन तलाकें दे देता है, इसका मतलब ये कि उसने सुन्नत के खिलाफ वर्जी करके अल्लाह से नहीं डरा। जब अल्लाह से नहीं डरा तो अल्लाह ने उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया अगर तो अल्लाह से डरता, अल्लाह से डर कर ये काम कर लेता, कुछ खौफ कर लेता, तो फिर तो ये था तुम्हारे लिए कोई रास्ता बन सकता था। अब क्योंकि तूने सारे के सारे हदें खुद पार कर दिए हैं, सारे के सारे रास्ते तुमने खुद ख़त्म कर दिए, अब इसकी कोई सूरत नहीं बनती कि अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता बन सके। तो लिहाजा मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों, ये मामला, ये मसला, ये जानना, जितने भी निकाह वाले हैं, हर निकाह वाला इसमें उम्र का कोई हिस्सा नहीं होता। शैतान कभी भी वसवसा डाल देता है, शैतान कभी भी रिश्ते को तोड़ देता है। उम्र का कोई भी तकाजा हो, कम अज कम आपके जहन में ये मसला होना चाहिए, एक काम है, एक हथियार है मर्द के लिए तलाक का, और अल्लाह ताला ने ये काम सिर्फ मर्द के हाथ में दिया है, क्योंकि औरत के अंदर उज्जलत होती है, जल्दबाजी होती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इख्तियार अगर औरत को दे देता तो बात बात पे तलाक हो जाती, ना होते हुए भी तलाक हो जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमत अमली के तहत ये काम मर्द के सुपुर्द किया है कि मर्द हर तकलीफ को बर्दाश्त भी करता है, समझता भी है मामला को, लेकिन कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं कि उनकी अकलें औरतों से भी गई गुजरी होती है। होते तो मर्द हैं, वो कहते हम बड़े बहादुर हैं, हम हिम्मत वाले हैं, हम जरत वाले हैं, लेकिन उनकी अकलें इतनी नाकिस होती हैं कि औरतों से भी गए उधर होते। तलाक देना ये कोई मर्द का काम है? ये भी है कोई बात तलाक देने की? और अगर तलाक देनी है, एक काम को ख़त्म करना है, वही एक काम जब एक तलाक से वाक़ हो सकता है, एक तलाक से वाक़ हो सकता है, उसको ज़रूरत क्या पेश आई है दो तलाक देने की, उसको क्या ज़रूरत पेश आई है तीन तलाक देने की? लिहाजा एक तलाक पर वो इक्तफा कर ले, दूसरे तोहर के अंदर वो देना चाहे तो दो दे दे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूँ, वो ये होता है सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर तुम नहीं रखना चाहते ना रखो, लेकिन अगर जहनी हम आगे बाद में हो जाए, बाद में भी कंप्रोमाइज़ होता है, बग़ैर हलाले के अगर इद्दत गुजर भी जाए, सिर्फ निकाह होता है, हलाला नहीं होता, तो सिर्फ निकाह भी दोबारा हो सकता है। तो खाम खा अपने आप को मुशक्कत में क्यों डाला जाता है, तीन तलाकों पर क्यों जोर दिया जाता है?
कभी भी ज़रूरत पेश आ जाए, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो इंसान एक तलाक देकर अपनी बीवी को रुख्सत कर दे, ताकि कुछ दिनों के बाद अगर निभा की कोई सूरत पैदा होने वाली हो तो उसको दोबारा मर्द को शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। वरना जितना वो बहादुर बनता है, बहादुरी उसकी क्या है, जो शरीयत मुताहरा का कातिल बन रहा है वो बहादुरी कहाँ से हुई। तो मैंने इसलिए कहा वो तो औरत से भी किया गुजरा है, औरत को नाकिसुलाकर नाकिसुद्दीन कहा जाता है, जो शरीयत मुताहरा का कातिल बन गए, शरीयत मुताहरा का कत्ल आम कर रहा है, शरीयत मुताहरा की मुखालफत कर रहा है और फिर वो अपने आप को बहादुर समझता है, इस जैसा बुजदिल इंसान कोई और नहीं हो सकता, ये डरपोक इंसान इससे कोई नहीं हो सकता, वो इंसान कोई बहादुर नहीं है, बल्कि वो शरीयत मुताहरा की मुखालफत करने वाला है। और उसकी जो शर्मिंदगी होती है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया अगर तू ऐसा अमल ना करता आज तुम्हें ये शर्मिंदगी ना उठाना पड़ती, और ये शर्मिंदगी ऐसी है अब ये ता हयात रहेगी, इसका कोई तदारुक नहीं हो सकता। कुरान हदीस बात पर शायद है कि जब भी तलाक की सूरत पेश आए तो इस तरह ना किया करो, बल्कि एक और दो तलाक बिल्कुल उसके बाद फ़इम्साकुम बिमारूफ और तस्रीहुम बेहसान, अगर रोकना पड़े तो इंसान रोक सके और अगर उसको आज़ाद करना पड़े तो आसानी के साथ उसको आज़ाद भी कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन मसाइल को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और